खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आयकर विभाग की छापेमारी चल रही थी कांग्रेस के नेता कुलदीप बिश्नोई के घर पर। अब आयकर विभाग के सूत्रों से पता चल रहा है कि करोड़ों करीब 250 करोड़ की संपत्ति पता चली है। हरियाणा कांग्रेस के नेता कुलदीप बिश्नोई के पास 5, 10 या 20 नहीं करीब 250 करोड़ की संपत्ति है। पिछले कुछ दिनों से आयकर विभाग हिसार और दिल्ली समेत कुलदीप बिश्नोई के 13 ठिकानों पर छापेमारी कर रहा था। उसी के बाद आज इस संपत्ति का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक छापे के दौरान आयकर विभाग को बिश्नोई परिवार का एक प्राइवेट लॉकर दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में भी मिला। साथ ही कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि बिश्नोई परिवार का एक सदस्य 7 समुद्र पार कैरिबियन सी के एक आइलैंड में नागरिकता लेने की कोशिश कर रहा है। विभाग को शक है कि इस नागरिकता की आड़ में कोई बड़ा खेल खेलने की तैयारी की जा रही थी। कुलदीप बिश्नोई की 250 में से 200 करोड़ की संपत्ति लंदन में होने की जानकारी मिली है। पता चला है कि लंदन के हाइट पार्क इलाके में कुलदीप बिश्नोई की संपत्ति है। आने वाले महीनों में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अगर आयकर विभाग को और पुख्ता सबूत मिले तो बिश्नोई के खिलाफ काला धन अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, जो बिश्नोई के साथ साथ कांग्रेस को भी महंगा पड़ सकता है। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे हैं और फिलहाल आदमपुर से विधायक हैं।